आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे प्राणायाम का अभ्यास जिनको कि आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इन प्राणायाम का अभ्यास आप खाना खाने के 5 से 10 मिनट बाद, जैसे ही आप फारिग हो जाएं, उसके बाद इन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम का अभ्यास आप जब करते हैं तो आपके शरीर में जो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन है वो बेहतर होता है, मानसिक तनाव कम होगा, क्योंकि जो आपका मन है, जो आपका ब्रेन है ना, यहीं से तो सारे हॉर्मोन्स का जो सिक्रीशन है वही कंट्रोल होता है। तो अगर आप ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो वो हॉर्मोन्स के सिक्रीशन में भी गड़बड़ी होती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आप जो भी खाया पिया है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगा, आपके हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस है। सावधानियों की तो सावधानी ऐसी कोई भी नहीं रखनी है, क्योंकि इस प्राणायाम का अभ्यास कोई भी इंसान कर सकता है। इनफैक्ट इन प्राणायाम का अभ्यास आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त, चाहे खाना खाने के बाद, चाहे खाना खाने के पहले, दिन में जब कभी भी आपको वक्त मिले, आप बस अपनी योगा मैट बिछाइए और इन प्राणायाम का अभ्यास किसी भी वक्त बिना रोक टोक के कर सकते हैं। चाहे कोई हेल्थ कंडीशन है, फिर भी आप इन प्राणायाम का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बड़ी फायदेमंद होने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार आए हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले हम ऐसे पालती मारकर क्रॉस लेग पोजीशन पर सुखासन में बैठ जाएंगे। आप चाहें तो एक पिलो के ऊपर भी इस तरीके से बैठ जाएं। इससे क्या होगा, कमर ऊपर है, घुटना नीचे है, तो इससे क्या होगा कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में मदद मिलेगी। और आराम से अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख लिया, आंखों को बंद कर लें और 5 मिनट तक आराम से बैठे हुए माँ शब्द का उच्चारण करेंगे। और इस उच्चारण करते वक्त, मतलब चैंटिंग करते वक्त, इसकी जो झंझनाहट है, वाइब्रेशन है, इसको पूरे के पूरे फोरहेड रीजन पर महसूस करेंगे। आंखों को बंद कर लें, चेहरे को एकदम रिलैक्स रखें, अपने शोल्डर को कोलैप्स कर दें, शोल्डर को एकदम ढीला छोड़ दें, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी तनाव ना रखें, चेहरे पर एक खूबसूरत रिलैक्सिंग स्माइल, मुंह को बंद किया, नाक से सांस लिया, सांस लें, सांस लें, मैं 2 बार और कर रही हूं, सांस लें, एक बार और सांस लें, और अब अपनी हाथ की हथेलियों को रगड़े आंखों के ऊपर रखें। अब अपने हाथों को घुटने के ऊपर ऐसे ड्रॉप कर दें। तो जब आप ये माँ शब्द की चैंटिंग कर रहे थे, भ्रमर की आवाज कर रहे थे, तो इसका इफेक्ट पूरे के पूरे आपके हेड रीजन पर आप महसूस कर रहे थे। इस तरीके की जब आप हमिंग साउंड निकालते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका मानसिक तनाव जो है वो कम होता है, और जब मानसिक तनाव कम होता है साथ ही ये अभ्यास आपको आपकी नींद की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में बहुत ही हद तक मददगार है। तो जैसे जैसे मानसिक तनाव कम होगा वैसे वैसे आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो भी इम्प्रूव होगी। तो इस तरीके से अभ्यास आप 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी वक्त हो, हमिंग साउंड निकालें इस तरीके से आंखें बंद करके, और फिर उसके बाद कुछ देर के लिए शांत बैठ जाएं। जब तक आपको ये इसका इफेक्ट महसूस होता रहे, जो हमने माँ शब्द की चैंटिंग की है इसका इफेक्ट आपके फोरहेड रीजन पर महसूस होता रहे, तब तक आप शांति से बैठे रहें और ऑब्जर्व करें कि क्या परिवर्तन या क्या बदलाव हुए हैं। जब ये अभ्यास हो जाए तो अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको कोई भी ब्रेथ रिटेन नहीं करना है, सांस को रिटेन नहीं करना है, क्योंकि इसको हम खाना खाने के तुरंत बाद कर रहे हैं ना, तो सांसों को रोकना नहीं है। जिस रेशियो में अभी मैं अभ्यास बताऊं उसी रेशियो में अभ्यास करते रहें। तो अब क्रॉस लेग पोजीशन को रिलीज कर दें और अपने पैरों को खोल कर इस तरीके से
अपने पैरों को टैप कर लें। काफ़ी देर से बैठे रहने से कभी कभी पैरों में दर्द हो जाता है, तो ऐसे खोल के हल्का झटका देने से, टैप करने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। अब देखिए, अगर आपके घुटने में दर्द है या बिगनर है तो वज्रासन में बैठना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप अगर कुछ सेकेंड के लिए धीरे धीरे वज्रासन में बैठना शुरू करें तो इससे भी आपका डाइजेशन जो है बेहतर होगा। तो अब हम इस तरीके से वज्रासन में बैठकर हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इस तरीके से दोनों हाथों को हमने ऐसे घुटने के ऊपर रख लिया, और देखिए इसका जब आप वज्रासन में बैठते हैं इसका एक और बेनिफिट है कि आपकी हिप जो है वो ऊपर है, आपका घुटना जो है वो नीचे है। ये मदद करता है आपका पॉस्चर करेक्ट करने में, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिकली जो है वो सीधी हो जाती है। अब जब आप वज्रासन में बैठते हैं ना, तो आपकी जो काफ मसल्स है ना, पिंडलिनी, ये वाली जगह, इस पर अच्छा दबाव पड़ता है ना। तो क्या होता है, पिंडलिनियों पर दबाव पड़ने की वजह से ये यहाँ का कनेक्शन जो है डायरेक्टली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से है। एक बात और, जब आप वज्रासन में बैठे होते हैं तो आपके पैर इस तरीके से मुड़े होते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन लोअर बॉडी की तरफ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। इसको अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कुछ ही देर जब आप वज्रासन में बैठे हुए होते हैं तो आप देखेंगे कि पैरों में हल्का सा सुन्नपन हो गया है, पैर जो है आपके नम हो गए हैं, झिनझिनी चढ़ गई है, तो आपको पैर को खोलना पड़ता है। तो ये आपका क्लियर इंडिकेशन है कि ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ बंद हो गया था, अब ये ब्लड सर्कुलेशन बेली की तरफ इम्प्रूव हुआ। तो जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बेली की तरफ इम्प्रूव होगा, डाइजेस्टिव फायर अपने आप इम्प्रूव होगी और आपका डाइजेशन बेहतर होगा। तो ऐसे वज्रासन में बैठे हुए, दोनों पाम्स को घुटने के ऊपर रखे हुए, लेफ्ट हथेली से आपको वापस से चिन मुद्रा लगानी है। थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ लिया है, इसको घुटने के ऊपर रख लिया है, और अपनी दाहिनी हथेली से नासिका मुद्रा इस तरीके से लगाना है। मुट्ठी बना ली और छोटी वाली उंगली और उसके बगल वाली उंगली को इस तरीके से उठा लिया। अब क्या करेंगे, बहुत से लोग ना ऐसे हाथ ऊपर करके करते हैं। अब खुद सोचिए, अगर हाथ आप इस तरीके से कुछ देर लटका रहने दें, कंधे में दर्द हो जाएगा या नहीं? तो आप क्या करें कि अपने हाथ को, अपनी एल्बो को, कुहनी को चेस्ट के पास लेके आए और हाथ को एकदम रिलैक्स रखें, और कमर गर्दन सीधी रखते हुए लेफ्ट नासिका से सांस लेना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेना है, और राइट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ देना है, फिर राइट नॉस्ट्रल से सांस लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ देना है। रेशियो हम 1:1 का रखेंगे, यानी आप जितनी सांस लेफ्ट नॉस्ट्रल से लें उतनी ही सांस राइट नॉस्ट्रल से छोड़ दें, फिर जितनी सांस आप राइट नॉस्ट्रल से लें उतनी ही सांस आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से छोड़ दें। इसका अभ्यास मिनिमम आप 9 राउंड कर लें, 9 सेट कर लें, जिस तरीके से अभी मैंने बताया ना कि लेफ्ट से सांस लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, इसके 9 चक्कर कर लें मिनिमम, मैं बता रही हूँ। और अगर इसका और अधिक अभ्यास बढ़ाना चाहते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठे बैठे अभ्यास कर लें कंटिन्यूअस। अगर वज्रासन में ना बैठ पाए तो थोड़ी देर वज्रासन में बैठ गए, फिर से वज्रासन को रिलीज कर दिया, पैरों को खोल लिया, टैप कर लिया, और फिर से ऐसे सुखासन या क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ के अभ्यास कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर से मन हुआ, फिर से वज्रासन में बैठ गए। तो चीज़ों को देखिए आसान करना है, और जब आप चीज़ों को आसान करके करेंगे ना तो आपका अभ्यास करने का मन भी करेगा, आप उन चीज़ों से भागेंगे नहीं। अब अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे अपने राइट थंब से, इस तरीके से, बहुत ज़ोर से ऐसे ना बंद कर दीजिएगा, बहुत प्रेशर लगा के ऐसे नहीं, बहुत जेंटली, बहुत लाइटली, क्योंकि सांस ही तो रोकना है ना, और कुछ तो नहीं रोकना। तो इस तरीके से आपने जेंटली लाइटली बंद किया और सांस लेंगे अपनी लेफ्ट से, 1, 2, 3, 4, लेफ्ट को बंद कर लिया, राइट से बड़ी जेंटली सांस छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर राइट से सांस लेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर बंद कर लिया राइट को और लेफ्ट से सांस छोड़ दिया, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से, इनहेल थ्रू योर लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट,
इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट। सांस लें अपनी बाई नासिका से, दाई से छोड़ दें, फिर दाई से सांस लें और बाई से छोड़ दें। जितनी सांस ले सकते हैं फिर से दाहिनी नासिका से सांस लें और बाई से छोड़ दें, फिर उसके बाद दाहिनी से सांस लें और बाई से छोड़ दें। तीन बार और इसका अभ्यास। सांस लें अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, राइट से छोड़ दें, राइट से सांस लें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। दो बार और, लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़ दें, राइट से सांस लें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। अब अपने हाथ को घुटने के ऊपर रख दें, तुरंत आंखों को बिल्कुल भी नहीं, कतई आंखों को ना खोलें, तुरंत आंखों को बंद रखें, अपनी कमर गर्दन को सीधी रखें और अपने ध्यान को अपनी नासिका के द्वार पर लाते हुए जो कुछ भी बदलाव आप महसूस कर सकते हैं, शांत बैठे हुए इन बदलावों को जानें। एक चीज का आप विशेष ध्यान रखें, जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें तो रेशियो तो इसी हिसाब से 1:1 का अभ्यास कर लें, लेकिन अगर आप कुछ दिनों के बाद आप इस रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं तो 1:2 के रेशियो में भी अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, खाना खाने के बाद ये अभ्यास कर रहे हैं तो इसमें कोई भी ब्रेथ रिटेंशन ना करें, सांसों को बिल्कुल भी ना रोके, सहज स्वाभाविक सांसों को लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। और थोड़ा और इस अभ्यास में और भी आगे जाना चाहते हैं, इसका अभ्यास देखें। लेफ्ट से सांस लिया 1, 2, 3, 4, राइट से सांस छोड़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर से राइट से सांस लिया, लेफ्ट से दोगुनी सांस छोड़िए, जितनी सांस ली थी उसे दोगुनी, धीरे 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 ऐसे सांस छोड़िए। सांस लीजिए अपनी लेफ्ट से, राइट से सांस छोड़ दीजिए, राइट से सांस लीजिए और लेफ्ट से सांस को छोड़ दीजिए। इतना आसान है इन अभ्यासों को करना। एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी खाना खाने के बाद कपालभाति क्रिया का अभ्यास ना करें, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास ना करें, या ऐसा कोई भी प्राणायाम जिसमें सांसों को रोकना पड़ता है या उसका इफेक्ट पेट पर किसी भी तरीके से पड़ता है। इन सभी अभ्यासों में आज जो हमने किया इसमें पेट पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, ना ही हमने किसी भी तरीके की ब्रेथ रिटेंशन की। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम के माध्यम से सुबह 7 बजे से 8 बजे कंडक्ट की जाती हैं। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं, पहले कोई कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया, तो हर एक प्रैक्टिस को मैं मॉडिफाई करके बताती हूँ ताकि हर कोई अभ्यास कर लें। अगर आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस को और डीप समझना चाहते हैं और डीप जाना चाहते हैं तो भी ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। इसके अलावा अगर आप कोई हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा बढ़ गया है, पीसीओडी की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या, नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा तनाव है, डिप्रेशन की समस्या, एंग्जाइटी की समस्या, ये क्लासेस आपके लिए हाईली बेनिफिशियल हैं। मैं जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को ज्वाइन करके उनको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिले हैं। मैं चाहती हूँ आपको भी ये स्वास्थ्य लाभ मिले। अगर किसी कारण से सुबह 7 बजे से 8 बजे क्लास आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि आप मेरे द्वारा डेवलप किए हुए कुछ योगा कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन योगा कोर्सेज को आप किसी भी वक्त, कहीं भी, अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने कम्फर्ट के हिसाब से, जब मन चाहे, जितनी बार चाहे आप अभ्यास करें। अब इन क्लासेस और कोर्सेज के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट शेयर कर रही हूँ,
www.yogawithshahida.com मेरी वेबसाइट विजिट कर लें। अगर आप वेबसाइट नहीं विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप एक व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको क्लास के बारे में और कोर्सेज के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाए। ये मेरा प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा हो और ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो से आपके दोस्त और रिश्तेदार भी लाभान्वित हो, उनको भी बेनिफिट मिले, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी खूब शेयर कीजिएगा। आप सभी अपना खूब ख्याल रखें, अपने परिवार का खूब ख्याल रखें और निरंतर योग का अभ्यास करते रहें, क्योंकि एक दिन योग का अभ्यास करके गायब हो जाएंगे ना, तो आपको कोई भी बेनिफिट एज सच तो मिलने वाला नहीं है। इसीलिए निरंतर थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के योग का अभ्यास करते रहें। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी। नमस्ते।